प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं बही खाता लेखा कर्म के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे लेखांकन अनुपात के बारे में। लेखांकन अनुपात क्या है, पूर्व में हमने जाना लेखांकन अनुपात और उसके अनुपात के जो विभिन्न प्रकार हैं। तो जैसे कि विभिन्न प्रकारों में लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, तरलता अनुपात और चौथा जो है वो है शोधन क्षमता अनुपात। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि शोधन क्षमता अनुपात क्या है। तो शोधन क्षमता अनुपात जो है वो अनुपात है जिसमें व्यवसाय की बाहरी दायित्वों के भुगतान व दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता को ये बताता है। अर्थात एक संस्था के उपक्रम की भुगतान करने की कैपेसिटी क्षमता किस प्रकार की है, पर्टिकुलर बाहरी दायित्वों के भुगतान को लेकर और जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लोन्स हैं उनको लेकर। तो शोधन क्षमता अनुपात ये बताता है कि एक व्यवसाय के बाहरी दायित्वों के भुगतान की और उसके दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने की क्षमता किस प्रकार की। अब दीर्घकालीन ऋण कौन से हैं? दीर्घकालीन ऋण वे हैं जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात देय होते हैं। तो दीर्घकालीन ऋण कौन से हैं? जिनकी अवधि 3 साल के बाद होती है, अर्थात जिनका भुगतान हमें 3 साल के बाद करना है। दीर्घकालीन दायित्वों से ऐसा जो है यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण व अंशधारी कोष के भुगतान से होता है। और दीर्घकालीन जो दायित्व है, लाइबिलिटीज जो है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो है वो क्या है? दीर्घकालीन ऋण और अंशधारी कोष के भुगतान से संबंधित है। तो ये शोधन क्षमता अनुपात यहाँ पर जो है अनुपात की जो गणना का उद्देश्य है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जांच करना है। अर्थात व्यवसाय की भुगतान करने की क्षमता किस प्रकार की है, उसकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है। यहाँ इससे ये पता लगाया जाता है कि व्यवसाय दीर्घकालीन दायित्वों को भुगतान करने में सक्षम है अथवा नहीं। तो यहाँ शोधन क्षमता अनुपात से हम ये गणना करते हैं कि एक व्यवसाय जो है वो अपने दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान करने में पूर्ण रूप से सक्षम है अथवा नहीं। इसकी गणना जो है 5 रूपों में की जाती है। नंबर 1 तो होता है शोधन अनुपात या ऋण अनुपात, और दूसरा जो है वो ऋण क्षमता अनुपात, तीसरा जो है स्वामित्व अनुपात, चौथा जो है स्थायी संपत्ति अनुपात और 5वां जो है ब्याज आवर्त अनुपात। तो ये जो शोधन क्षमता के अनुपात की जो गणना के विभिन्न रूप हैं, स्वरूप हैं, इनको हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शोधन अनुपात या ऋण अनुपात क्या है। तो ये अनुपात क्या है? कुल बाहरी दायित्व जिसमें दीर्घकालीन दायित्व व चालू दायित्व सम्मिलित है, इनके कुल संपत्ति के बीच संबंध को यह बताता है। तो यहां शोधन अनुपात जो है या ऋण अनुपात वो क्या बताता है हमें? जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है और फर्म की जो कुल संपत्ति है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो यहां कुल संपत्ति का जो तात्पर्य है वो है चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति पक्ष के योग में से कृत्रिम संपत्ति के योग को घटाने के पश्चात आई हुई राशि है। तो यहाँ पर कुल संपत्ति कौन सी? जो कि चिट्ठे में कुल टोटल जो संपत्ति दिखाई गई है उसमें से आर्टिफिशियल जो असेट्स हैं उनको अलग करने के पश्चात, उनको घटाने के पश्चात जो शेष संपत्ति बचती है उसकी तुलना हम किससे करते हैं? अपने बाहरी दायित्वों से। तो इसका जो सूत्र है वो है शोधन अनुपात बराबर कुल बाह्य दायित्व बटे कुल संपत्तियां। कुल जो बाहरी दायित्व है उसमें डिवाइड करना हमें कुल संपत्तियां, उस कुल संपत्तियों में से जो है कृत्रिम संपत्ति हम अलग कर देते। तो ये शोधन अनुपात या ऋण अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। दूसरा जो प्रकार है उसका ऋण क्षमता अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात क्या बताता है? ये दीर्घकालीन ऋण और स्वामित्व की पूंजी के मध्य संबंध स्थापित करता है। अब व्यवसाय में जो है स्वामी की भी अपनी पूंजी लगी होती है, तो यहां पर जो है यह अनुपात क्या बताता है? दीर्घकालीन जो फर्म के जो ऋण है और जो फर्म के स्वामी की पूंजी है उन दोनों के बीच में ये संबंध स्थापित करता है। ये बताता है कि व्यवसाय की कुल संपत्ति में कितना भाग स्वामी की पूंजी से और कितना भाग ऋणों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। अर्थात व्यवसाय की जो कुल संपत्ति है उस संपत्ति में कितना भाग उस व्यवसाय के स्वामी की पूंजी से है और कितना भाग ऋणों के माध्यम से एकत्रित किया गया है। यहां पर स्वामित्व पूंजी का भाग
संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन से यदि अधिक है तो व्यवसाय के लेनदार क्या है, सुरक्षित कहलाएंगे। अर्थात यहाँ पर व्यवसाय में स्वामित्व पूंजी का भाग जो है वो आपके संपत्तियों के अर्थ प्रबंधन से क्या है, अधिक है, तो इस स्थिति में जो व्यवसाय के लेनदार है वो क्या, सुरक्षित माने जाएंगे। इसका जो सूत्र है वो ऋण समता अनुपात बराबर बाह्य दायित्व या दीर्घकालीन ऋण डिवाइड बाई आंतरिक दायित्व या अंशधारी फंड जो है। अब यहाँ बाह्य दायित्व में जो है कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, बाह्य दायित्व जैसे ऋण पत्र हो गए, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालीन लिए गए ऋण हो गए, पब्लिक निक्षेप हो गए, पब्लिक जमा हो गई, आम जनता से जमा पूंजी प्राप्त और सुरक्षित ऋण आदि सम्मिलित है ये बाह्य दायित्व में। इसके विपरीत जो है आंतरिक दायित्व में कौन कौन है, समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकारी अंश पूंजी, संचय, लाभ हानि खाता और आधिक्य को सम्मिलित किया गया है। इनमें से जो है यहाँ हम लाभ हानि खाते का जो डेबिट शेष है वो कृत्रिम संपत्तियों को में घटा दी जाती है। तो ये ऋण समता अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है इसमें। और इसके बाद जो स्वामित्व अनुपात, स्वामित्व अनुपात जो है ये अनुपात स्वामित्व फंड अर्थात व्यवसाय का जो स्वामी है उसका जो फंड है वह कुल संपत्तियों के मध्य संबंध को दिखाता है। स्वामित्व अनुपात में अंश पूंजी, संचय व आधिक्य शामिल किया जाता है। कुल संपत्ति का यहाँ जो आशय है वो है स्थायी संपत्ति चालू व कृत्रिम संपत्तियों के योग से। तो यहाँ पर जो कुल संपत्ति वो स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति और जो कृत्रिम संपत्ति, इनका योग जो है वो कुल संपत्ति से। तो यहाँ पर स्वामी का जो फंड है और जो उस फर्म की, उस संस्था की कुल संपत्तियां हैं उनके बीच में संबंध को ज्ञात करने के लिए हम स्वामित्व अनुपात की गणना करते हैं, जिसका सूत्र है स्वामित्व अनुपात बराबर स्वामित्व फंड बटे कुल संपत्तियां। फिर है चौथा जो है स्थायी संपत्ति अनुपात। ये अनुपात जो है दीर्घकालीन फंड व शुद्ध स्थायी संपत्ति के मध्य संबंध को बताता है। अब दीर्घकालीन फंड में अंशधारियों का कोष फंड एवं दीर्घकालीन ऋणों को शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन फंड में कौन आ रहा है, यहाँ पर अंशधारियों का कोष या फंड और जो लॉन्ग टर्म्स के लोन है वो आपके दीर्घकालीन फंड के अंतर्गत। और स्थायी संपत्तियों में जो है यहाँ पर से स्थायी संपत्ति व दीर्घकालीन विनियोग को शामिल करके जो है यहाँ पर हम स्थायी संपत्ति में से जो डेप्रिसिएशन है ह्रास को माइनस करके जो है शुद्ध संपत्ति की, यहाँ पर स्थायी संपत्ति की गणना कर लेते हैं। तो इसका जो सूत्र है स्थायी संपत्ति अनुपात बराबर दीर्घकालीन फंड डिवाइडेड बाय शुद्ध स्थायी संपत्ति। तो ये तीसरा और चौथा जो प्रकार है स्वामित्व अनुपात और स्थायी संपत्ति अनुपात। इसके बाद अंतिम जो है ब्याज आवर्त आप्रत अनुपात। ये इसलिए प्रयोग किया जाता है कि कंपनी कितनी आसानी से अपने अदत्त ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर सकती है। कंपनी के जो लाइबिलिटीज है, जो ऋण है, उनका पर जो ब्याज दिया जा रहा है, इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, वो किस प्रकार से कितनी आसानी से उसका भुगतान कर सकती है। इस अनुपात की गणना जो है टैक्स और ब्याज से पूर्व लाभ को ब्याज व्यय की राशि से भाग करके की जाती है। अर्थात यहां पर जो है इस अनुपात की जो गणना है टैक्स और इंटरेस्ट चुकाने के पहले जो लाभ प्राप्त हुआ है उसमें हम जो कंपनी के द्वारा दे ब्याज और जो किए गए व्यय हैं उनका क्या कहते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहां यदि अनुपात कम है तो यह कंपनी के अधिक ऋणों से ग्रस्त भार को दर्शाता है। यहां पर जो है अनुपात कम है तो कंपनी के अधिक ऋणों से ग्रस्त भार को दर्शाता है, मतलब यह बताता है कि कंपनी जो है वो ऋणों के भार से यहां पर ज्यादा उसके ऊपर ऋण के भार है। इसका जो सूत्र है वो है ब्याज आवर्त अनुपात बराबर ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब है यहां पर ब्याज व टैक्स चुकाने के पहले प्राप्तियां, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय जो है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंडिचर ब्याज व
व्यय, तो ईवीआईटी डिवाइडेड बाय जो है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हमें बताया है यहाँ जो है ईवीआईटी इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसकी आवश्यकता क्या है, लेनदार व विनियोजक जो है इस अनुपात की गणना कंपनी की लाभदायकता व जोखिम की जांच करने हेतु करते हैं। लेनदार या विनियोजक इस अनुपात से यह तय करते हैं कि कंपनी को अतिरिक्त ऋण दिया जाए अथवा नहीं। यहां पर जो है यदि कंपनी जो है ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है तो इसका आशय यह है कि वह मूलधन की वापसी में भी असमर्थ होती है। स्वाभाविक है कि यदि कोई व्यक्ति ब्याज का भी भुगतान करने में असमर्थ होता है, यदि ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाता, तो इसका मतलब यह है कि वो मूलधन का भुगतान करने में भी उसके लिए समर्थता यहाँ पर उसकी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो इसकी आवश्यकता है, ये लेनदार और विनियोजक जो है अनुपात की गणना करके कंपनी की लाभदायकता की और जोखिम की जांच कर लेते हैं। इससे जो है वो ये तय करते हैं कि कंपनी को अतिरिक्त ऋण दिया जाए अथवा नहीं, अर्थात जो ऋण कंपनी को दिया जाएगा उसका वो यहाँ पर समय पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं अथवा नहीं, मूलधन की समय पर वापसी कर सकते हैं अथवा नहीं। तो इसके लिए जो है हम ब्याज आवर्त अनुपात की गणना करते हैं। अब यहां पर हम एक आर्थिक चिट्ठे से शोधन क्षमता व ब्याज आवर्त अनुपात ज्ञात करेंगे। तो जो आर्थिक चिट्ठे में जानकारी दी है क्षमता व देताएं जो दी है, अंशधारक निधि के अंतर्गत अंश पूंजी जो है वो 1,00,000 दी है, गैर चालू देताएं के अंतर्गत जो है दीर्घकालीन 10%, डिवेंचर ऋण पत्र है ये 75,000 के हैं और चालू देताएं जो है वो इसकी 25,000 की हैं। तो यहां पर कुल जो देताएं हैं वो कितनी हैं, 2,00,000 हैं। संपत्तियों की बात करें हम तो गैर चालू जो मूर्त परिसंपत्तियां वो दी हैं 80,000 और गैर चालू परिसंपत्तियों में चालू निवेश जो है 5,000, स्टॉक जो है 20,000 और व्यापारिक प्राप्तियां देनदार 65,000, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य जो है वो 30,000 है। इस प्रकार से यहां पर जो है परिसंपत्तियां 2,00,000 की है और ब्याज एवं कर एवं ब्याज से पूर्व लाभ जो है वो 40,000 रुपए। तो ये दिए हुए आर्थिक चिट्ठे में जानकारी के आधार पर जो है हम यहां पर शोधन क्षमता अनुपात और ब्याज आवर्त अनुपात की गणना करेंगे। तो ये किया हुआ है हल यहां पर शोधन क्षमता अनुपात सूत्र जो इसका है कुल बाहरी दायित्व बटे कुल संपत्तियां। तो बाहरी जो लाइबिलिटीज अंशधारियों से रिलेटेड थी वो कितनी थी, 1,00,000 थी और कुल संपत्तियां जो सवाल में यहां पर दी थी आपको ये कुल यहां पर कुल संपत्ति जो है 2,00,000 और अंश पूंजी जो है कुल बाहरी दायित्व 1,00,000। तो यहां पर जो है सूत्र के अनुसार हमने जो कुल बाहरी दायित्व जो 1,00,000 और कुल संपत्तियां जो है 2,00,000, तो ये 0.5 times अर्थात 1:2। तो इसका शोधन अनुपात जो है 1:2 है। तो ये शोधन अनुपात ज्ञात किया और दूसरा जो है ब्याज आवर्त अनुपात। यहां पर जो ब्याज आवर्त अनुपात ईवीआईटी अर्थात अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो यहां पर जो अर्निंग बिफोर टैक्स जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग बिफोर ये दिया हुआ था कितना, 40,000 रुपए, ये हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया और यहाँ पर 7,500 ये कहाँ से ज्ञात किया हमने, जो है इंटरेस्ट से 10% डिवेंचर ये जो ये 75,000 दीर्घकालीन 10% ऋण पत्र, तो इसका 10% जो है यहाँ पर ये 7,500 रुपए। तो ईवीआईटी हमें हमारे पास प्राप्त हो गया 40,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट एंड एक्सपेंडिचर कितना है 7,500 जो हमने ये ज्ञात किया। इस प्रकार ये 5.33 times, तो इसका इंटरेस्ट जो है आवर्त अनुपात ये आ रहा 5.33। तो इस प्रकार से हमने ये सवाल यहाँ पर शोधन अनुपात और ब्याज आवर्त अनुपात ज्ञात किया। शोधन अनुपात क्षमता अनुपात से क्या सा है, इसकी गणना क्यों की जाती है,
प्रशोधन अनुपात या ऋण अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाती समझाइए, और ऋण समता अनुपात से क्या आशा है समझाइए। चौथा स्थायी संपत्ति अनुपात से क्या आशा है समझाइए। पांचवा ब्याज आवर्त अनुपात से क्या आशा है समझाइए। वह EV/IT से क्या आशा है समझाइए।